12 जनवरी हर साल मनाने वाले युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे 1984 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाने के लिए घोषणा की थी। क्यों करी थी आप जानते हो? आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस है, जयंती है, इस अवसर पर यह मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी क्या थे और क्या नहीं थे आपको सबको पता है। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। गांधी जी के सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका में गए थे वो। महज 5 शब्दों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने लोगों का दिल, हजारों लोगों का दिल जीत लिया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था, आज ही के दिन 12 जनवरी को हुआ था, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने दुनिया भर में जाकर यहाँ की संस्कृति और सभ्यता प्रचार किया था, जिस कारण दुनिया में उनके प्रशंसक आज भी मौजूद है और इसी कारण से उनको युवा दिवस, युवाओं की प्रेरणा कहा जाता है और युवा उनसे प्रेरित आज भी है, मौजूद उनके प्रेरणादायक युवा आज भी है। 11 सितंबर 1893 को जब विवेकानंद स्टेज पर खड़े हुए थे, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से बात शुरू की थी, तो यहाँ बैठे 7000 लोगों की तालियां महासभा में गूंज उठी थी। यह तालियां उस सन्यासी के लिए बज रही थी जो एक गुलाम देश से आया हुआ था अपने देश का प्रचार करने और